खुश आमदेद मैं न्याजी और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन हसन साहब अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहूँगी आसिफ अली की मैंने बारह साल जेल काटी है और कप्तान क्या करेंगे पीपल्स पार्टी हसन साहब को ज्यादा अपनी कुर्बानियों शहादतों की शहीद और ये पना पावर प्ले में कोई शहीद नहीं होता है मुगल जिसका मतलब सारे औरंगजेब के सारे भाई शहीद हैं दारा शिखो शहीद वट नॉन सेंस इकतदार के खेल में शहीद नहीं होते हैं जब आप घुसते हो उसमें फिर या आप नहीं होते या दूसरा नहीं होता ठीक है ना अच्छा रह गई इनकी जेल तो कितना इन्होंने कहा कितनी जेल काटी इन्होंने बारह साल अच्छा ये बारह सौ साल की उम्र हो ना अगर किसी की अच्छा धंधा चलता उसका उम्र हो बारह सौ साल अच्छा। तो जरदारी साहब के एक स्ट्रोक जितने पैसे नहीं बारह सौ साल में कमा सकता सो मुझे रख दें आप बारह साल जेल के अंदर तो जेल इन लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल जगह है वहां लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, सारी तो तो की तो है।, कोई नहीं है। सो बारह साल जेल का टी वो फैलाना चाहिए टमकाना प्रॉब्लम पावर कोई जेल होती है ना कोई शहीद होता है एक बात दूसरी बात के बाबा कौम, है कौम ठीक है तो कभी आधे घंटे की जेल नहीं काटी अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड अनपरचेजेबल इनकरप्टेबल आदमी तो ये कौन सी क्वालिफिकेशन पे है जरा पेशा काट के रहते हैं जेल में कोई कोई ऐसी इसमें कोई कमाल नहीं है मुझे उसका वन टन टेन दे मुझे जो अगर मेरे पास पता नहीं मुझे कितना टाइम है लेकिन अगर दस बारह साल में है तो मैं आई विल टू हैप्पी जान छुटी कॉलम लिखना इधर आना ऑल द वे ये प्रोग्राम करने हर चौथे दिन को डीएस दूसरे दिन पहुंची होती है घर पे वो जान छुड़ाई है तो बारह साल जेल बिल छोड़ें इसको को डिलीवर क्या क्या किया है लोग को क्या दिया है लोगों लोगों दिया तुम ने साहब एक दो चीज़ें जिन पर आपने काफ़ी आवाज उठाई है बिल आखिर हुत के कानों तक वो पहुँच ही गई है और अब वो गवर्नमेंट ने कुछ इस से भी लिए हैं जैसे कोैक्स के उसमें काफ़ी क्रैकडाउन शुरू कर दिए है आराम बात सुने गवर्नेंस है ही इन चीज़ों का नाम और ये कोई ये नहीं है कि मैंने को बहुत शोर मचाया था नहीं बिल्कुल नहीं मुमकिन है कि उनके अपने लोगों ने उनके अपने दिमाग में कि यार ये बात तो वाकई सही है ये पुल पुलिया ये नहीं होता अतियत जो है ये क्वैक्स जो है ये लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं कभी आप मैं पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कॉल में भी लिख चुका हूँ कभी आप केबल्स पे इनके इश्तिहार देखो ये शक्लों से घुंडे बदमाश लगते हैं बिल्कुल शक्ल पर लिखा होता है कि जाहल है उसका आप उसको ठीक ढंग से उसको पंजाबी भी नहीं बोलनी आती और वो क्लेम क्या कर रहा होता है कि जी मैं कैंसर भी ठीक कर रहा हूँ मैं हेपेटाइटिस का भी ठीक कर रहा हूँ मैं आपका लिवर भी ठीक कर रहा हूँ अच्छा औलाद नरीना भी दे रहा हूँ बांझ औरतों का इलाज भी हो रहा है और हाँ बैरून मुल्क अगर आपको रोज़गार की तलाश है तो उसका भी बंदोबस्त कर देते हैं ये क्या जहालत है भाई खुदा का खौफ करो असल में गवर्नेंस है ही इन चीज़ों का नाम क्या आपने लोगों को क्वालिटी एजुकेशन यह मकाना एजुकेशन नहीं ये जो आपके एफ ए बी ए फिर रहे हैं ना बिल्कुल टाइम एंड मनी क्वालिटी एजुकेशन आपने लोगों को दी उनको कोई अच्छा इलाज आपने दिया उनका कोई तहफ़ का बंदोबस्त किया उनका कोई रोजगार को इंसाफ मतलब उनको खल खुराक उनको मिल जाए उनको साफ पानी मिल जाए कुछ चांद दिस्ट नहीं है। मांग है खेलने को अवाम ये चीजें इंश्योर करो फिर माशाल्लाह आप बनाओ पुल बनाओ आप अंडर पासेज ओवर पासेज ये मेट्रो शेट्रो सारा लेकिन ए, आप बच्चों अपने बच्चों को आप खाना तीन वक्त का ढंग का नहीं दे पा रहे हैं आप उनका इलाज नहीं आप अपने बच्चों का आप सरबरा बाप ही होता है ना जी जी। तो एक घरानी का सरबरा अगर अपने बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पैंसठ इंच का टी वी ले आया हूँ वैसे तो बाप को छत पर चढ़ा के बंदा कान पकड़ा दे सो माशाल्लाह मैं तो गैर मशरूत सपोर्ट इस सिलसिले में और ये बहुत खूबसूरत काम है इसको अप्रिशिएट कर मुझे लोगों ने फ़ोन किया पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट हो मैंने कहा भाई किसी को सपोर्ट नहीं करता किसी को मैं अपोज नहीं करता ये तो आइडियाज हैं आप कर क्या रहे हो अगर मुझे अच्छा लगता है भाई मैं अप्रिशिएट करूंगा मेरी आपकी खानदानी दुश्मनी तो है नहीं अगर आप बोंगी मारोगे मैं क्रिटिसाइज करूंगा सो so, इतनी सी बात है अच्छा परवेज और एक ब... बात मैं प्लीज लेट मी लेटमी शायद गवर्नमेंट भी इस पे गौर कि लोग क्वैक्स के पास इन चाहलों इन जानवरों के पास जाते क्यों उनके पास पैसे नहीं होते बहुत थोड़े हैं तो अपने हॉस्पिटल्स को सरकारी हॉस्पिटल्स को थोड़ा अपग्रेड कर लें वहां थोड़ी कुछ चार दवाएं उनको मिल जाएं, ताकि लोग उधर से आप उनको एलिमिनेट करें उनका सफाया करें इधर आप थोड़ा हॉस्पिटल्स को जरा बेहतर अगर एक गवर्नमेंट कर ले तो वक्त हुआ यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद हम मजीद मौजूद को जेरे बहस लाएंगे देखते रहिए मेरे मुताबिक

इकोनॉमिक्स का तो मैं थोड़ी समझबूझ है हर मंडी के कुछ कानून कायदे उसूल उसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं बिल्कुल सही ठीक है कोई लॉजिक होती है आप उसके साथ थोड़ा बहुत टेंपर कर सकते हैं थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की इजाजत होती है लेकिन अगर आप हदूद से तजावस करेंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे अगर ये ना होता ये जो आ, इनका फ्रॉड कह लें स्कैम कह लें उसको जो जो वारदात कह लें जो भी है अगर ये ना भी होता तब भी ये चैनल मुंह के बल गिरता बिकॉज इसके पीछे मन तक नहीं थी अच्छा। जो मैंने यहाँ अपने ऑफिस में कुछ लोगों को जो समझाया था जी। उनकी मेहरबानी उन्होंने सुना भी तो वजह ये थी देखें बात सुने ताज कंपनी थी फिर फाइनेंस कंपनीज का एक बड़ा रौला था कोऑपरेटिव्स uh, का थोड़ा डिफरेंट है केस पर हार्वेस्ट थी ये कंपनी जब कोई आपको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किस्म का पेश करता है ना जी कि वो हम बैंक तो आपको इतना दे रहा है हम आपको इतना देंगे तो आपको लालच नहीं करना चाहिए आपको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है इतनी अनयूजुअल हाँ uh, तो ये uh, धंधा जो था ये मैंने कहा ना कि अगर ये ना होता तब कुछ और होता जिस तरह के ये आ, ये कर रहे थे जिस तरह के पैकेज और ये और वो सारा टोटल ड्रामा उसके अंदर मौजूद था कि झूठ बल्कि मुझे सच्ची बात है एक अफसोस है मैं हम मेरी जनरेशन वी आर फेडिंग आउट हमारे बस पता नहीं कितने साल कितने दिन कितने महीने बाकी हैं लेकिन हमारे जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं आप जैसे जो लोग बच्चे हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स करके जो बच्चे आ रहे हैं हमारे जितने चैनल्स हों भाई कम हैं जितने अखबार हों वो कम हैं बच्चों ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना तो लेकिन ये ये, ये सिलसिला इनका इसकी बुनियाद ही झूठ और बदयंती पे थी ऐसे होता नहीं मंडी के अपने सूर्ण 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 होते हैं जिनको करना चाहिए अच्छा परवेज मुशरफ की में तीन जमाती इतिहाद की तैयारियां बहुत अच्छी बात है देखें लोगों के पास ऑप्शन भी हों उतने कम हैं जिस तरह की कस्म पुरसी का आलम है एक तरफ वो पीपल्स पार्टी है ठीक है वो जो की तरह इस मुल्क को चिमटे रहे दिया उन्होंने कुछ नहीं प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं दिया बल्कि आई पर्सनली फील दट ट वे अ लॉट लोगों को उन, उन्होंने आ, कुछ भी देने में वो बुरी तरह नाकाम रहे इसी तरह नून लीग है ये भी ढकोसला है बहुत बड़ा बहुत बड़े ये अजीबो गरीब तरह की नौटंकी है, ये चलती फिरती आप अंदाजा लगाओ वो पता नहीं तेरे अंधेरे में टाएंगे हम ये इलेक्शन कैंपेन में चल रहा था हाँ जी ठीक है अब दो साल से ज्यादा हो गया तब ये क्या कहते थे अंधेरे में हम छह महीने में एक साल में अब दो साल के बाद भी ये वही अपना वो इंतखबी मुहिम का गाना या तराना क्या कहेंगे इसको चला रहे हैं इनको शर्म ही कोई नहीं यानी जिस कैंपेन में ये गीत चलता था उसमें ये कह रहे थे छह महीने में खत्म कर दें अब ये डेटें दे रहे हैं लंबी तराना वही चल रहा है मतलब तो इतना एक शेमलेसली करता है आदमी मैं मेरे से गलत बात हो गई मैं कोई नदामत महसूस करूंगा मैं को माजरत करूंगा ढीट है सो इनकी मौजूदगी में अब इमरान खान पीटीआई एक ऑप्शन है बड़ी जबरदस्त उसके बाद परवेज मुशरफ साहब मतलब तो ये लैक क्या करते हैं ये लोग कैरिज्मा तो परवेज मुशरफ साहब एज अ वेरी यस वो अगर कल खुल के मैदान में आ जाते हैं तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि वो अट्रैक्ट करेंगे लोगों को कितने परसेंट को और फिर काफली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही उसमें वो नौटंकी का ड्रामे का कोई एलिमेंट नहीं था खेजी नहीं थी उनको इस तरह शायद को मार्केट करना भी नहीं आया अच्छा मैं फीडबैक एड करना चाहूंगी नौशिर ने आपसे एक सवाल पूछा है जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल मुशर्रफ और इमरान खान क्या ये अजीम लीडर है अगर नहीं तो फिर कौन है खुदा का हमारे पास सिर्फ एक ही लीडर काफी है मैं पहले भी ये बात कई बार कर चुका हूं आका की अलैहि वसल्लम बाकी ये हैं अच्छे बहुत अच्छे बुरे और बहुत बुरे मैनेजर्स अजीम लीडर तो खुदा का खौफ करें अजीम लीडर तो कुछ कुछ चीज होती नहीं इंसान क्या अजीम लीडर होना है और हमारे पास तो चूंकि अजमत की आखिरी इंतहाज जो गए कि कामिल तरीन वो रोल मॉडल वो एक मौजूद हैं वो हमारे सामने तो उसके बाद तो ये सारे कोई एक जो टखनो तक भी आता है नैलसन मैंडेला के फॉर देट मैटर वहीं गए तो बेचारे एवरेज लोग गए यहाँ पर हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद हम ब्लड प्रेशर के हवाले से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शामिल करेंगे दिखते रहिए मेरे मुताबिक साहब पिछले दिनों में ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन भी मनाया गया उस हाले से एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद दो करोड़ हो गई है जब अच्छा, सच्ची बात है मुझे तो शदीद हैरत हुई है आप यकीन करो मुझसे आप वैसे पूछते तो मैं कहता कि अगर अट्ठारह करोड़ आबादी है तो जो मासूम बच्चे जिनको पता ही नहीं कि वो कहाँ रह रहे हैं और किन जल्लातों के रहमो क्रम पे पल रहे हैं उनको निकल मैं पौनी आबादी मेरे नज़दीक उसको होना चाहिए ब्लड प्रेशर का मरीज मेरा ख्याल है हमारी हुकूमतों के पास बड़ा मार्जिन है अभी ये दो करोड़ ये तो कम अज़ कम दस करोड़ के करीब बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज होना चाहिए जो हालात इस माहौल में इस मुल्क में, में बिल्कुल डेफिनेटली हैरत अंगेज़ है इसका मतलब है हम इतने सख्त जान और इतने ढीठ लोग हैं कि हम में से सिर्फ दो करोड़ में मेरी आपने कहा मैंने मान लिया अदरवाइज मेरी नहीं मानती कि सिर्फ दो करोड़ आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है hmm. अच्छा गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का ऑर्डिनेंस दे दिया सबसे पहले जिन्होंने काम किया यार ये जनूबी पंजाब के लिए कितनी अच्छी बात है ऑरेंज ट्रेन कहाँ चलेगी लाहौर में।, में चलेगी है ना जी अच्छा और इसकी सारी बरकत किनको को मिलेंगी जिनमें बस कमाल है नून लीग वाले भी सदर भी ऐसा निकाल के लाए हैं ममनू हुसैन साहब और इधर पंजाब का गवर्नर लाए हैं तो जवाब नहीं नहले पे हैं दोनों तो अच्छा सर हमें काफ़ी मौसू होती हैं कि जिसमें लोगों ने आपसे शिकायत की है कि हम आपके प्रोग्राम का दौरानिया बहुत कम है हसन साहब को काफ़ी टाइम यार मैं पहले भी ये बात हो चुकी कई दफा कहते रहते लोग जबानी भी मिलते हैं तो मैं एक बात मजाक कर मैं उनको कहता हूँ कि देखो भाई जो सोना होता है ना वो तोलों के हिसाब से तुलता और बिकता है जो लोहा होता है ना स्क्रैप बल्कि लोहा भी नहीं कहना चाहिए जी। वो टनों के हिसाब से तो अब इसका क्या तो करें ये हमारा इश्यू तो नहीं है इट इज फॉर दू ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट और यू आर नॉट रिस्पांसिबल पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था अपने हीरोज के नाम पर अपने हथियारों के नाम रखे तो उन कुछ लोगों ने कहा है कि महमूद गजनवी तुर्क नहीं थे पश्तून थे अच्छा ये जिस किसी ने भी कहा है उनको चाहिए कि संजीदा हिस्ट्री पढ़ें वो आ, गजनी तो एक शहर है ना महमूद गजनबी तल्लुक की बुनियाद पर यह सोचना कि वो गलत हैं महमूद गजनबी एक तुर्क थे हती के अमीर तैमूर भी ही वॉज ऑल्सो अ टर्क और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो मुगल्स हैं ठीक है ये भी बुनियादी तौर पे तुर्क हैं अमीर तैमूर का तो ट्राइब का नाम था बरलास नहीं हमारे यहाँ भी बरलास पाए हाँ जाते, जाते हैं ये अच्छा। एक टर्क ट्राइब है अच्छा। मुग़ल भी जो घर में बोलते थे तुर्की जबान बोलते थे जो मैंने बात की थी कि भाई देखो मज़हब एक तो आ, उस कदर मुश्तरक बनता है लेकिन अगर यही कदर मुश्तरक है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बांग्लादेश अलहदा हो गया जो हिस्सा था हमारा जी। ठीक है इधर ये सारे चेन बनती है सारी मुसलमान मुल्कों की बिल्कुल ईरान है अफगानिस्तान सारे क्यों? नहीं मजहब एक कदर मुश्तरक है बाकी हमें अब अरबों कुर्दों ये तुर्कों ईरानियों अफगानियों बरबरों में ये सारे हीरो हम वहाँ जाके ढूंढते हैं ये थोड़ा अब हमने खुद अपने हीरो पैदा कर लिए हैं बर सगीर का जो मकामी मुसलमान है इसके पास वाकई ये इनका दामन खाली है इनके पास कोई हीरोज नहीं है सारे इम्पोर्टेड हैं ये जिनको हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं उनका मकामी मुसलमानों के को साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है इन्वेडर्स थे बाहर से आए थे उनके साथ हमारा एक कदर मुश्तरक थी वो था मजहब अब माशाला हमारे पास अपने जितने निशाने हैदर हैं ऐसे बाज मतलब सितारा जोरज़ जिन लोगों को उनके नाम पे अपने जो ये अपना जदीद असला है हमारा हम कहते हैं ना कि जी गौरी के नाम पे और फला के नाम वाई वाई नॉट आर ओन ही बिल्कुल जो लोकल जितने लोगों को आपके निशाने हैदर उनके नामों पर नाम, नाम रखो तो बस करो भैया अरबों का मोहम्मद बिन कासम यून अरब लेट्स फेस इट ईरानियों और अरबों के दरमियान कल भी नफरत थी परसों भी नफरत थी आज भी नफरत है ठीक है तुर्कों और अरबों के दरम्यान जो मामला हैं वो भी आपके सामने हैं तब हमारा दामन खाली था हमारे पास ले दे के जो मुकामियों में अगर कोई वॉर हीरोज हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप सुल्तान टीपू कह लें या इस तरह कोई एक आध तो हम चुके कंगाल थे हमने उधर उ अब तो नहीं अब तकरीबन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट ईयर होगा इस मुल्क को बने जंगे हमने लड़ी हैं, बड़ा बड़ा दलेर बड़ा बड़ा जबरदस्त बंदा पैदा किया है और तारीख में ये शायद दूसरी दफा हो रहा है तो इधर से ठुकाई हो रही है शुरू अदरवाइज तो उधर से आते थे ना जी। एक दफा वो महाराजा रंजीत सिंह ने कोई थोड़ा बंदोबस्त किया था

आए वो रस्ते तरसते तो चले जाते हैं और फिर वापस नहीं, वापस नहीं आते। अपने देखने वालों को कहूंगी लिखना ना भूलिए एम एम एट जियो डॉट पर अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज